सो हेलो गाइस, मैं अर्पित जैन बैक अगेन विद न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BOK Y20 डिवाइस के अंदर आप ईडीएस लाइटिंग कैसे लगा सकते हो। यू नो ईडीएस लाइटिंग क्या होता है, जब भी आप अपने फोन के लाइट को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको साइड में जो लाइटिंग चलती हुई दिखती है उसको हम ईडीएस लाइटिंग बोलते हैं। तो हम उसको कैसे लगाएंगे गाइज, इसके लिए आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन तो नहीं मिलते लेकिन कुछ फोनों में आते हैं, मे भी हो सकता है BOK Y20 में भी हो। तो मैं उस पर अगर डेडिकेटेड कोई वीडियो बनाऊंगा अगर सेटिंग्स के अंदर मिला तो, अगर आपको नहीं मिलता सेटिंग के अंदर तो एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं एप्लीकेशन का ही यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप ईडीएस लाइटिंग लगाएंगे अपने डिवाइस के अंदर। सो चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे यूज करना है। सो जैसा कि गाइस यहां पर हमारा डिवाइस है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो मैंने यहां पर डाउनलोड करके रखा है, राउंड ईडीएस लाइटिंग। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, सिंपली इसको हम ओपन करते हैं। जब हम ओपन करेंगे गाइस इस तरह से इंटरफेस आएगा और इसमें काफी कुछ बाय डिफॉल्टली एडेड यहां पर है, थीम्स बोल सकते हो या फिर वॉलपेपर बोल सकते हो जिसको हम यहां से लगा सकते हैं अपने लाइटिंग में। तो हम सबसे पहले कस्टमाइज करेंगे इसकी पोजीशन, साइज, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, पूरी सेटिंग्स को जानेंगे, इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। जस्ट हम किसी थीम्स पर क्लिक करते हैं, एक नाम क्रिएट करना होगा, कुछ भी हम टाइप कर देते हैं, इसके बाद ओके क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कुछ पहले से बने हुए यहाँ पर आइकन्स आ रहे हैं, हम चाहे तो इनको चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हार्ट्स है, हार्ट, तो ये हार्ट्स बन चुका है, देख सकते हो साइड में सारी चीजें अब दिख रही होगी अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, हम चाहते हैं इसको कस्टमाइज करना, और चीजें करना इसके अंदर, इमोजीज आप डाल सकते हो, इमोजीज पे क्लिक करोगे इमोजीज आएंगे, इमोजी आउटलाइन भी डाल सकते हो, यहाँ पर हॉलोवीन का ऑप्शन है इसको भी डाल सकते हो, हीरोज का ऑप्शन है इसको भी डाल सकते हो, लाइव है इसको भी डाल सकते हो, काफी ज्यादा ऑप्शंस है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको रख सकते हो इस लाइट के लिए। उससे पहले गाइस यहाँ पर नीचे आएंगे, अगर आप डेमो देखना चाहते हो उसका कैसा शो होता है तो कलर्स पे क्लिक करके इसके कलर्स वगैरह को आप चेंज आउट कर सकते हो, यहाँ से जो मर्जी कलर्स आप लगा सकते हो। दिन ओके करोगे इसके एप्लीकेशन के अंदर भी कलर्स ये ऐड हो जाएगा, तो आप कलर देना चाहो तो यहाँ से दे सकते हो। तो फिलहाल हम कलर्स नहीं देना चाहेंगे, ठीक है, हम इसको ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे डिजाइन के जस्ट साइड में इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ प्लस कर सकते हो कि कौन कौन सा कलर्स होना चाहिए इस इफेक्ट्स के अंदर, इस एनिमेशन के अंदर, लाइक ये जो हार्ट है इसके अंदर कौन कौन से कलर्स ब्लिंक करते हुए होने चाहिए। आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके यहाँ और भी प्लस कर सकते हो और माइनस पे क्लिक करके उस कलर को निकाल सकते हो जो आपको पसंद नहीं आता है। और गाइज यहाँ पर आएंगे बॉर्डर्स पे, यहाँ पर आएंगे तो इसमें आपको क्या चीजें मिलती है, बॉर्डर सेटिंग में आप इसकी एनिमेशन स्पीड को इस तरह बढ़ा सकते हो, आप चाहते हैं बॉर्डर साइज को छोटा बड़ा करना तो आप इससे छोटा बड़ा कर सकते हो, देख सकते हो साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है एक्चुअली में पूरी तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, रेडियस को अगर आप छोटा बड़ा रेडियस को बढ़ाना चाहते हो, दोनों में लाइक डिफरेंट रखना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो, यहाँ से इस रेडियस को बढ़ाओगे तो इस तरह से राउंडेबल होगा, अगर इस रेडियस बटन को बढ़ाओगे तो इधर से राउंड होगा। तो आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हो। नोच डिस्प्ले, नोच डिस्प्ले के लिए भी एरियाज बने हुए हैं, तो आप वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है उसको भी यूज़ कर सकते हो सिंपली इस पर क्लिक करके। इसके बाद इन सभी चीज़ों को हमें सेट करना पड़ता है, इस तरह जैसे ये चीज़ें आ रही हैं इस तरह से हमको उसको सेट करना पड़ता है। नीचे देख सकते हो और भी चीज़ें हैं, तो हमें इस तरह से नोच वाले डिस्प्ले को सेट करा जाता है, जैसे कि अभी देख सकते हो नोच बना दिया हूँ, फिलहाल मेरे तो फोन में है नहीं नोच लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे करके बना सकते हो आप लोग। तो इसके बाद करने के बाद सारी चीज़ें सेटिंग करने के बाद आपको क्रिएट वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पर वो आ जाएगा जिसको हमने क्रिएट किया था, तो हमने नोच वाली बनाई थी ये वाली है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इनेबल टू वाल पेपर करेंगे, इसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे डेस्कटॉप, इसको लॉक स्क्रीन पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने डेस्कटॉप पर कर दिया है, अभी अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह दिख रहा है, ये देखो गाइस फोन का लुक बढ़ा दिया लेकिन हमने आइकन थोड़े से छोटे कर दिए हैं, तो इसको मैक्सिमम बैलेंस करके रखना ताकि ये देखने में अच्छा लगे। सो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कैसे इसका इस्तेमाल करना है, फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी आप DM कर सकते हो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।